क्यों डांट आ जा सारे या डांट बैठी है अच्छा हाँ कमाल करो आप भी जाते होंगे हम भी फिर हम भी जो हम बीजेपी के लिए सके है सारे बीजेपी के साथ हैं भाई साहब कह रहे नाराज है कौन नाराज है भाई साहब ये तो बताओ कोई नाराज नहीं है नाराज है कांग्रेस से बीजेपी से कोई नाराज नहीं है लट फिरवा दिया मोदी ने क्यों फिरवा दिया लट तो इस उड्डा ने फिरवा दिया मेरे भाई महाराज तेन बताओ इसार जींद फतेहबाद ऊंचाना यहाँ साइड को बताओ उड्डा ने के नहीं कर मिर्ज पर कांड इसने करवाया नु बताओ 2004-05 सरकार आई थी सबसे पहले इनकाउंटर इसने कितने करवाई यहाँ के करवाई इसको नहीं वोट देने का भाई यहाँ के छिकरे नु बता नेता सारे खत्म कर दिए अच्छा कुलदीप बिजनोई अशोक तंवर भाई नु देख लिया अपने श्रुति किरण और थी छतरपाल नु तो देखो इसने सबका सुपड़ा साफ कराया मंत्री दे लगी तो आपकी रोहतक की राजनीति जावा है अच्छा हाँ यहाँ मोदी ने कील बिछवा दी सड़क पर जब किसान दिल्ली जाओ था तो किले बिछवा कौन किसान जा रहा था दिल्ली कौन किसान जा रहा था सब वो भी नहीं के थे कांग्रेसी थे कोई किसान नहीं था कोई किसान तो ये बैठे सारे हम भी किसान हैं हम भी गए थे हमने तो कुनकड़िया कील दिखी भाई हम तो गए सिद्धि दरियाराम तक गए बैठे भी वहां पर कोई ऐसी बात नहीं हुई जो लोग जनता ये बकान लाग रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी फिर क्या बोला 700 किसान मर गए कैसे मर गए भाई 700 किसान तो नू बताए जब वो बात किसने गिनती करी 700 किसान मरे उड़ा किसने गिनती करी है घर हम मर जावा है वो भी मोदी के सर ला दे साहब ने गिनती करा कि वो कह रहे 700 किसान टिकेत साहब तो भाई नू ऐसे रोज कहीं जावा है नू बता घर हम मर जावा किसान खेत में मर जावा वो भी मोदी के सर ला दे पे गराम मर जा खेत में मर जा उरे बैठे मरण का किसने बेरा मोदी ने मार दिए हुए कह रहे उसका हिसाब लेंगे एक साल तक किसान रोड पे बैठा रहा उसका हिसाब लिया जाएगा इस चुनाव में नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हिसाब तो कांग्रेस तक लिया जाओगा कांग्रेस ने जो कर रखा कांग्रेस वाली ने देख दे आप कांग्रेस ने की कर रखा है ओके हमने तो चमकाया था हरियाणा क्या कहाँ चमकाया था हरियाणा कित चमका रखे रोहतक तनियारा नु बता दो कित के चमकाया उसने उड्डन रोहतक शेलक नु बता दो मारा के करया है कह रहे रोजगार दिया युवा किसको दिया रोजगार कौन युवा है बताए तो दो भाई सूटकेस भर भर जा कर दी उन्हें ना रोजगार मिले हैं इस सरकार मनु देखो जो बेरोजगार जो गरीब घर का बड़ा गरीब परिवार के वह बच्चे लगे हैं खुद मेरा भाई लग रहा है अच्छा हाँ पैसे वैसे देखा तो नहीं एक रुपया भी नहीं ये बैठे दादाजी बैठे ये बैठे एक पैसा भी नहीं मेरा नहीं किसी का नहीं कोई एक पैसा भी कहीं पर्ची खर्ची का कोई मतलब नहीं फिर क्या बोला बीएससी एमएससी करके ग्रुप डी में लगवा रहे ग्रुप डी में नौकरी दे रहे भाई ऐसा है जो ग्रुप डी का काबिल हो ग्रुप डी में लगेगा जो कौशल का काबिल हो कौशल लगेगा और जो आईपीएस का वो आईपीएस लगेगा तो कैप्टन साहब का खेल लगता मैं 8 पढ़ रहे हूं ना आईपीएस किस तरह ला देंगे कैप्टन साहब का खेल लग गया कैप्टन साहब बहुत अच्छे इंसान है कैप्टन साहब जीतेंगे अच्छा बहुमत जीतेंगे भाई तो पिछली बार क्यों आ रहे पिछली बार तो वो है बात सब भाई ठीक है भाई गौतम साहब आ रहे थे उरे चुनाव में अरे ऐसा भाई दो जो चुनाव लड़ेंगे तो हार जीत तो देखो होगी लेकिन वो देखो उससे पिछली बार से वोट बढ़ के आए थे पिछली बार जब जीते थे जब 50,000 थे तो दूसरी योजना में 10,000 वोट बढ़ के आए थे 60,000 वोट थे 61,000 वोट थे हमारा तो कांग्रेस की टिकट इसी आएगी थी इसके पार्टी के वोट भी कुछ इसके तो 6,000 वोट आए थे नहीं हारने का कोई मतलब नहीं था बार तो कह रहे ना हाथ की जो है लहर है यहाँ पे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है भाई जब हाथ की लहर तो जब होगी जितने का आपसी समझौता हो जाएगा ये इवलक टिकटे कौन देने लायक रे कितना हाथ की लहर होगी किसान आंदोलन का कितना असर होगा चुनाव में नहीं नहीं हमारा नहीं असर बिल्कुल भी भाई साहब बिल्कुल भी असर नहीं हमारा किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है यहाँ पे पूरा यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है अगर कुछ है तो थोड़ा बहुत कुरुक्षेत्र साइड में बलाए थोड़ा बहुत लेकिन यहाँ नहीं है कोई आपके बराबर में है जुलाना में वहाँ भी असर है नहीं जुलाना में भी नहीं है कह रहे पहलवान इन्होंने घसीट दिए किसान इन्होंने घसीट दिए अड़ानी अंबानी की सरकार भाई साहब कोई गलत करेगा तो घसीटा जाओगा आप गलत करोगे मैं गलत करूंगा नहीं तो कांग्रेस वाले ने कौन से छोड़े थे इनने तो घसीट के तो छोड़ दिए कांग्रेस वाले नंबर वाए दिए देखन है वो क्या सम्मान करा बेटियों का कांग्रेस ने कि किस बेटी का सम्मान करया है किस बेटी का बताए तो दो किस बेटियां सम्मान करया है राहुल गांधी का कुछ चलेगा राहुल गांधी का जादू नहीं भाई कुछ नहीं राहुल गांधी का यहाँ सुपड़ा कांग्रेस का यहाँ सुपड़ा साफ है भाई साहब हमारे तो यहाँ 3-4 स्टेट है यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल सुपड़ा साफ है रोहतक रात तक में बेसन की में उसका चाल जाए नहीं चल रहा कुछ भी क्या वजह है किस मुद्दे पे वोट दोगे हम बीजेपी के विकास पर विकास का मुद्दा वोट देवा भाई निस्वार्थ कोई किसी का नू नहीं भाई अक भाई आपसी नू अपना प्रणाली को नहीं सब एक समान विकास कर
हरियाणा का क्या मुद्दा है? हरियाणा में बीजेपी ने जो है ना इतने विकास के कार्य किए हैं, जमींदार ये सारे किसान बैठे हैं, कोई और किसी जाति से नहीं है। ये एक दो तीन चार पांच तो हम जाट सा, एक वो गुज्जर भाई है। हाँ। तो सारे जाट है, सारे किसान था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है किसानों। हाँ। को किसानों का मुद्दा आपने देखा सबसे ज्यादा हरियाणा में अब भी चल रहा है, कह रहे किसान विरोधी सरकार। पंजाब से उठा था ये मुद्दा। हाँ। उनना बकाया बकुई के मारे जो है समाज भोवा समाज है। हाँ। इनको साथ लगा लिया, इनका कंधे पे बंदूक धर के चला दी। कोई मेन बड़ी सी ऐसी बात नहीं है, ये मैं गोली ले लूं। अच्छा, किसान थे नहीं, अरे बदला हुआ है, ये कांग्रेस के इदारे थे। हाँ। ये तो बका के लोग ले गए और जमींदार नहीं गया कोई। अच्छा। हाँ। सारा सारी सुविधा दे रखी है कांग्रेस ने, के दिया है कांग्रेस ने, सारी उम्र कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया कांग्रेस ने तो। कांग्रेस की तो बर्द नहीं दिए। अच्छा, अरे राहुल है, मुसलमान थे यूरा राहुल। हाँ, मुसलमान है यू, मुसलमान का तो जादू चल गया राहुल का। हरियाणा में तो राहुल का जादू चल गया, वो चले आ जाए तो कुछ चला लो। आप 5 सीट आ गई लोकसभा में, आपने देखा 10 सीट हुआ करे थी। तकड़िया ही में है वो स्टाई हुड्डा साहब जी जीते उरेड़ा साहब राहुल तकड़िया ही में। अच्छा। हां, तो अब की बार हुड्डा साहब का जादू है हरियाणा में। हुड्डा साहब तो बेचारा आप पे बिठा हाथ पाधरे है, हाथ पाधरे बिठा बेचारा आप पे बैठे और बिठा हाथ पाधरे बेचारा। वो तो कह रहे पूरा माहौल बदल देंगे इस बार। बदल दिया करा बिठा बिठा है, करा बिठा बिठा बदल देगा। कह रहे संविधान की लड़ाई है हरियाणा में, संविधान बचाना है। संविधान इसका बाप का है। हाँ। कह रहे बीजेपी की तानाशाही है, 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा इन्हें। कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस ने दिया है 10 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने दिया है हिसाब। कह रहे हाथ बदलेगा हालात, कुछ नहीं बदलता, हाथ तो हाथ ही बोलेगा। हाथ हाथ बोलेगा। हाँ बस, कुछ नहीं और कुछ नहीं हाथ के पल्ले के दे दिया था बीजेपी ने। अरे बीजेपी ने दिया क्या कोड़ी पले ये बताओ मैं। के दे दिया, दे दिया सबको भी दे दिया। कह रहे खाद महंगा कर दिया इन्होंने। अरे बात सुनो, ट्रैक्टर के साथ दो साधन मिलते हैं नी, ट्रेली है, हैरो है, कल्टीवेटर, सारे सब्सिडी मिलते हैं। पहले कभी मिले था करते के, अब मिलते हैं। सब्सिडी कितनी दे दी, कोई भी जो प्राणी के है नी साधन नहीं, वहां से आते आदमी आप ठा के ले जाते हैं, कब सप्लाई कर देते हैं, कितनी सुविधा है। ये फद्दू बनाने की बात से काम तो कर रखा है बीजेपी ने। अच्छा। हाँ, कह रहे युवा सड़क पर डोल रहा है नौकरी ना, पहले नौकरी लगा करे थे, अब सरकारी नौकरी नौकरी थी, पता नौकरी थी उनके उनके लगा करते थे, लगे किसी का उनका लगे किसी का। अच्छा। हाँ, जिसका उनका रिश्तेदार का साला बड़ोइया बुआ का मामा का फूफी का ये लग गया करते, तो ये और लग गए जो गरीब आदमी है। अच्छा, नौकरी मिल रही है बीजेपी की सरकार में। मेरे गांव में कम से कम भी 50 आदमी लगे हैं। अच्छा। और सारे गरीब आदमी लगे हैं बिना पर्ची खर्ची कुछ चकराए को नहीं, वो आदमी लगे जिसके पास पैसा नहीं, बेचारे बहुत गरीब आदमी लगे है, हरिजना में लगे है, एडिया में लगे है, बादिया में लगे, सारी जाति के लगे है, जाटा के भी लगे है। कैप्टन साहब के लग गए, कैप्टन साहब के लग गया, सीट रिकॉर्ड पाओगे नहीं। कैप्टन साहब ने दुआई कौन दुआ उधार है, कैप्टन साहब ने दुआई है कुछ कौन दुआई है। कैप्टन साहब ने बहुत काम कर रखे, सड़क बना रखी, सारा सौदा बना रखा, सड़क कैप्टन साहब ने बनाई। पिछली बार हारने के पीछे क्या वजह रहेगी? पिछली बार है। हाँ। ये आप सुनी की रोड़ा हुआ है बस कहानी। हाँ, अब दुआ वो गाली दिया, अब की बार रोड़ा है ना, है ना, अब की बार कोड़ी, अब की बार कोड़ी पूरा रखा है। अब फिर भी देखो बात तो चलेगी, इलेक्शन तो होगा, दो जीतेगा एक तो पड़ेगा, कोई साहब हो। मुकाबला कैसा लग रहा है? मुकाबला आपकी बार तो बीजेपी का है, यहाँ तो अब तो कांग्रेस की टिकट नहीं है, मुकाबला कहाँ से है? टिकटे आने दो, कैप्टन साहब निकाल पाओगे सीट में? निकाल लेंगे आराम से, आराम से निकाल लेंगे। जातिवाद फैक्टर रहेगा सीट पर, ये तो है ही, ये तो है, इसको कौन मना कर सकता है। तो कह रहे जाट तो कांग्रेस के साथ जा रहा सारा, अब की बार ना जाट सारा नहीं जा रहा, मैं जाट सा भाई सारा नहीं जा रहा।